हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कैसे करंट प्रोड्यूस होता है और फिर उससे एक मैग्नेटिक डाइपोल जनरेट होता है। वो पूरा का पूरा डिस्कशन हम लोग लास्ट सेशन में कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, और इसी चीज को बोलते हैं टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। कहना क्या चाहता है? आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है। सबसे पहले आप लूप बनाएं, ठीक है? तो मेरे पास यहाँ पर एक लूप है, यहाँ पर एक मैंने लूप लिया, कोई भी डायमेंशन हो सकता है, लूप है। देखो, मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि लूप के अंदर नेट फोर्स का वैल्यू हमेशा जीरो होगा। लूप के अंदर नेट फोर्स का वैल्यू जीरो होगा। टॉर्क जो होता है वो होता ही फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आपको ये तो क्लियर होगा कि भैया फोर्स अगर जीरो होगा लूप में तो टॉर्क भी जीरो ही होगा। लेकिन हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। फोर्स तो जीरो होगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन टॉर्क हर पॉइंट पे जीरो होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो लूप की बात करते हैं। आपने कहा सर यहां पर एक लूप है और इस लूप में मैंने बोला कि कोई आई करंट जो है वो आपका इस तरह से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। आई करंट इसमें इस तरह से क्या करता है, फ्लो करता है। जब आई करंट इसमें इस तरह से फ्लो करता है दोस्तों, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक डायपोल बनेगा। आपने कहा सर ये देख रहा है मेरे को तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, और क्लॉकवाइज रहेगा तो इधर साउथ रहेगा, उधर नॉर्थ रहेगा, और उसकी वजह से यहां अंदर की तरफ जाता हुआ एक मोमेंट बनेगा। साउथ नॉर्थ नहीं देखना आता, कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया कर्ल योर फिंगर अलोंग करंट, थंब विल डायरेक्ट टुवर्ड्स मैग्नेटिक डायपोल। तो अंदर गया अंगूठा पेंच के, है तो अंदर चला गया। तो आपने कहा सर मैग्नेटिक डाइपोल हमारा इनसाइड है। कैसा है? इनसाइड है। अब इसको उठाता हूं और एक मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर देता हूं। पहले मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं कितना है। तो आपने कहा सर पहले मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, तब उसको वहां पर प्लेस करेंगे, ठीक है? तो आपने कहा सर इसको यहां, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इनवर्ड जाता हुआ, ठीक है, इनवर्ड जाता हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड है। आप चाहे आउटवर्ड बना सकते हो, उससे कोई चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? तो कोई चेंज नहीं आएगा तो कैसा भी बना लो, यूनिफॉर्म। कैसा है? ये एक यूनिफॉर्म वैल्यू है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इस वायर को उठाया और इसमें प्लेस कर दिया, वायर को उठाया और यहां पर प्लेस कर दिया। तो आपने कहा सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं बेटा क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा जी यहां पर आप उठाया इस वायर को, यहां पर लेके आ गए और करंट इसके अंदर उसी तरह से चल रहा था जैसा था। आपने कहा सर ये रह गया, ये इस तरह से, ये इस तरह से आई करंट, इनमें भी आई करंट, यहां भी आई करंट, और सर यहां भी आई करंट। अब प्रॉब्लम क्या है? एक वायर, दो वायर, तीन वायर, चार चार करंट कैरिंग वायर है और दो वो मैग्नेटिक फील्ड में भी रखे हैं, तो उनपे क्या लगेगा? उनपे फोर्स लगेगा। उन पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो जैसे ही आप इस चीज को यहां से उठा के यहां प्लेस करोगे, जैसे इनको यहां से उठा के यहां प्लेस करोगे, तो देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है, इनकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल तो अंदर ही है, ठीक। अगर मैं इनका लेंथ डिफाइन कर दूं, जैसे मैंने बोला ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, तो इन पर फोर्स का मैग्नीट्यूड आप पता लगा सकते हो बड़े आसानी से। आपने कहा सर कैसे पता लगाएंगे? देखो आओ, प्लेस योर थंब इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स डाउनवर्ड, थंब, पाम बताता है ना, ये पाम नीचे आ गया इधर। आपने कहा सर ये बनेगा F1 होगा कितना, तो फोर्स आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर आपको पता होना चाहिए, विच इज इक्वल टू IBL मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है? L और B के बीच का एंगल होता है। तो यहां पर दिख रहा है 90 डिग्री है, करंट ऐसे है, मतलब ये आपका वायर है और डाउनवर्ड जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ये तो 90 डिग्री कर दो। आई बी एल लेंथ देखते हैं, तो लेंथ कितना है इनका? ए है। तो एफ वन का वैल्यू कितना हो गया? सिंपल, करंट मैग्नेटिक फील्ड इंटू ए। सिंपल यहां आए, प्लेस योर फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये पाम विल गाइड टू द फोर्स। तो आपने कहा था इन पे फोर्स यहां लग जाएगा, तो ये वैल्यू आ गया आपका, दिस इज एफ टू, और एफ टू का वैल्यू कितना हो जाएगा? आई इंटू बी, इनका लेंथ कितना है? बी। ऊपर गए तो आपने कहा सर अंदर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा,
अपवर्ड जाएगा सर एफ थ्री। एफ थ्री का वैल्यू कितना होगा, लेंथ ए है तो ये हो जाएगा आई बी इन टू ए। यहाँ पर आओगे तो आपने कहा सर इधर फोर्स लगेगा और ये कितना हो जाएगा एफ फोर विच इज इक्वल्स टू आई इन टू बी इन टू। यहाँ पर अगर देखोगे तो नेट फोर्स कितना होगा, तो आपने कहा सर नेट फोर्स के लिए तो हमें सबको ऐड करना पड़ेगा, तो आपने कहा सर एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ फोर। तो आपने कहा सर यहाँ पर सबका वैल्यूज हमें पता है, सबको जोड़ दो डायरेक्शन के साथ जोड़ो, तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो अपवर्ड को पॉजिटिव तो डाउनवर्ड नेगेटिव है, लेफ्ट को अगर पॉजिटिव तो लेफ्ट राइट लेफ्ट वाला राइट वाला नेगेटिव है, ठीक है। तो आपने कहा सर वैल्यूज आ जाएगा, तो उसमें आपने वैल्यूज पुट किया तो आपको आई बी इंटू ए माइनस आई बी इंटू ए, भाई ये एफ वन और ये एफ थ्री दोनों सेम है तो इनका वैल्यू, प्लस एफ टू एफ फोर का वैल्यू अपोजिट तो आई बी इंटू बी माइनस आई बी इंटू बी, भाई ये वैल्यूज किसका एफ वन का रखा है, ये एफ थ्री का रखा है, ये एफ टू का रखा है, ये एफ फोर का रखा, सब रख दिया तो टोटल वैल्यू कितना हो गया जीरो। तो आपने कहा सर जो नेट फोर्स इस लूप पे होगा वो जीरो, भाई तो हमें पता था पहले ही पता था, नया क्या है। बात आती है नेट फोर्स अगर जीरो है तो बेटा जी टॉर्क जो होता है, टॉर्क रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, और ये टाउ होगा कितना, आपने कहा सर ये होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये ध्यान रखना, ये तो पता है ना प्रोडक्ट कैसा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है डॉट नहीं क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो ये आपका टॉर्क होता है। तो यहां पर कितना होगा, आपने कहा सर यहां तो नेट फोर्स जीरो है तो टॉर्क का वैल्यू भी कितना होगा जीरो, ठीक है। नो टॉर्क विल बी देयर ड्यू टू, क्यों नहीं है इसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको, ड्यू टू बी वेक्टर, समझ लीजिए क्या प्रॉब्लम क्या है, B और आपका जो M है, M भी तो यहां इनसाइड ही था ना, ध्यान रखना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर M की बात करते हो तो यहां पर आपका जो M वेक्टर था वो भी इनसाइड था, B and M वेक्टर नो टॉर्क विल बी देयर ड्यू टू थीटा ऑफ B and M इज इक्वल टू जीरो। बी और M का जो एंगल है वो क्या है यहां पर जीरो है, इससे यहां पर टॉर्क नहीं लगेगा, यहां पर टॉर्क नहीं लगेगा, क्लियर सब बात है। नॉट नहीं लगने का रीजन क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल और आपका जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों का एंगल क्या है जीरो है, दोनों क्या है यहां पर पैरेलल है, तो डिफाइन कर दो ये सब चीजें, लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बी इज पैरेलल टू एम, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया जीरो डिग्री, अपोजिट होता तो भी 180 हो जाता ना फिर, तो क्या हो गया, तो तब भी जीरो रहे या 180 रहे दोनों ही केस में आपका ये हमेशा क्या होगा पैरेलल एंटी पैरेलल दोनों के लिए क्या होता है सेम होता है कॉन्स्टेंट जीरो रहेगा। तो आपने कहा सर क्या हमेशा जीरो ही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड में क्या है लूप को ऐसे ही रखा जा सकता है, नहीं किसी एंगल पर रख के देखते हैं। तो इसको हम क्या कर रहे हैं थीटा एंगल से टिल्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसको हम थीटा से टिल्ट कर रहे हैं, कैसे है सिस्टम वो समझो, आप कैसे है सिस्टम वो समझो, पहले ये लूप ऐसे था, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको मैं उठा के ऐसे प्लेस कर रहा हूं, समझ रहे हो चीज को, इसको मैं ऐसे कर रहा हूं ठीक है, थीटा से ऐसे कर। अब देखो यार ये जो प्लेन था इसके अंदर आपका एम वेक्टर इनवर्ड जाता हुआ था ऐसे, इनसाइड जा रहा था पेज के अंदर जा रहा था ऐसे, अब जब ये यहां ऐसे रहेगा और अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो आपका एम भी क्या करेगा, एम भी उसी एंगल से रोटेट हो जाएगा जिससे आप प्लेन को रोटेट करोगे, क्लियर है ना ये बात। तो अब आपका बी और ये जो पॉइंट है ये कैसे एंगल बनाएंगे, तो आपने कहा सर एम तो यहां पर आ गया और बी इनसाइड है, दिख रहा है दोनों के बीच का एंगल, दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा, अब देख लो ये तो ऐसे है थीटा है ना, तो थीटा एंगल से हम रोटेट करते हैं, किसको रोटेट करेंगे, लूप को रोटेट कर देंगे। चलो देखें जरा क्या होगा, क्या इफेक्ट आएगा उसके ऊपर देखें जरा, आओ। तो आपने कहा सर इसको चेक करें, अगर थीटा से अगर रोटेट कर दें तो क्या इफेक्ट आता है उसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो आपने कहा सर
सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, पहले तो क्या थे, दोनों पैरेलल थे, अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। तो आपने कहा सर यहां पर आप देखेंगे बी वेक्टर एंड एम वेक्टर, बी वेक्टर एंड एम वेक्टर आर एट थीटा एंगल, दोनों किस पे हैं, किसी थीटा एंगल के ऊपर यहां पर हमें देखने को मिलेंगे, ऐसा कोई सिचुएशन। तो आपने कहा सर कैसे होगा, पहले इनिशियल को देखो, इनिशियल से फाइनल को हम देखते हैं, थीटा एंगल कैसे रोटेट करते हैं, है ना, बहुत आसान है यार, सिंपल है, आप समझोगे। तो ये डॉटेड जो बना रहा हूं ये आपका इनिशियल था, ये आपका क्या है, दिस वॉज योर इनिशियल, ये आपका इनिशियल प्लेन था जिसको ए और बी आपने डिफाइन किया था, करंट इसमें जा रहा था, अभी ऐसा था वो, अभी ऐसा था, कैसा था, ऐसा था। अब क्या कर दिया आपने, इसको उठा के थीटा से टिल्ट कर दिया, थीटा से टिल्ट कैसे करूंगा सर, बहुत आसान है, बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान, कैसा आसान है सर, ये ऐसा था थीटा से करे तो इसको उठा दो यार, ऐसे ऐसे था, ऐसे कर दो, ऐसे रोटेट कर दो, कैसे रोटेट करोगे तो क्या होगा, ये वाला फेज अंदर जाएगा, ये वाला फेज ऊपर आएगा, तो अंदर और ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा, वो यहां देख लो, उसको यहां देख लो, तो आपने कहा सर ये चला गया अंदर और ये चला गया बाहर, बड़ा बना दिया मैंने, थोड़ा सा कोई बात नहीं, नहीं तो कौन चीज़ पर बड़ा बना, तो कोई बात नहीं है सर, कोई टेंशन नहीं है उसमें, ठीक है, और नीचे लेके दो, है ना, तो ये टिल्ट कर दिया, तो टिल्ट करने से फर्क क्या आया सर, ये हमें मिल गया एक एंगल, दिस एंगल इज थीटा। अब एक बात बताओ, अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो आई करंट तो वैसे ही फ्लो करेगा जैसे पहले फ्लो कर रहा था, आई करंट तो अभी भी कैसा फ्लो करेगा, उसी डायरेक्शन फ्लो करेगा जैसे पहले फ्लो करता था, ऐसा तो नहीं है कि अब करंट का डायरेक्शन चेंज जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला, तो करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो आपने कहा सर कर्ल योर फिंगर अलोंग लूप इनसाइड, डायरेक्शन ऑफ एम क्या होगा, इनसाइड, तो इनसाइड जो है ये प्लेन, ये पे जो प्लेन आपका है ये थोड़ा थीटा पे है, तो जो एम आपका बनेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे आएगा, समझ रही हो, कुछ ऐसे जाएगा अंदर की तरफ पेज में, इस तरह से पेज में क्या करेगा, अंदर की तरफ जाएगा, इस तरह से पेज में क्या करेगा, अंदर जाएगा, समझ रहे हो, तो एम अंदर की तरफ ऐसा गया, तो मैंने यहां से बना रहा हूं इसको एम ऐसे, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे बना, चलो ऐसे बना देते हैं, है ना, कुछ तो बना दो यार, है ना, कुछ तो बनाओ, आपने कहा सर एम बनाना है तो ये ऐसे रहेगा, है ना, तो इसका प्रोजेक्शन आएगा वो यहीं आएगा आपके पास में, तो आपने कहा सर एम का जो डायरेक्शन है वो पेज में इस तरह से जाता हुआ है, अंदर जा रहा है पेज में, और बी का क्या डायरेक्शन है, आपने कहा सर वो तो 90 डिग्री पे है, बी तो अभी भी इनसाइड द पेज जा रहा है ना भाई, आपने जो चेंज किया है वो किसमें किया है, आपने प्लेन में चेंज किया है, आपने मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ी कोई चेंज किया है, तो आपने कहा सर मैग्नेटिक फील्ड तो वही है अभी भी, कोई चेंज नहीं किया उसमें मैंने, तो अब आप देखें तो होने क्या वाला है वो समझो, मैग्नेटिक फील्ड आपका इनसाइड जा रहा और यहां एम जो है वो यहां जा रहा, दोनों के बीच में एंगल दिख रहा, ये रहा ये एंगल दिख रहा, पेज गया ना अंदर, ये गया दो, ये गया, यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड गया, तो दोनों को जब टिल्ट करके देखोगे तो क्या दिखेगा, एंगल दिखेगा, कितना दिखेगा, थीटा एंगल, दोनों को जब देखोगे तो क्या होगा, थीटा एंगल। अब आपने कहा सर फोर्स भी होंगे, सर बिल्कुल फोर्स होंगे, किधर किधर फोर्स होंगे, तो भाई साहब इन पे तो अभी भी फोर्स ऐसे ही लग रहा होगा जैसा पहले था, फोर्स में कोई चेंज नहीं आया होगा इनके लिए, तो भैया यार इनका लेंथ ए था, इनका लेंथ बी था, इनका लेंथ ए था, इनका लेंथ बी था, फोर्स कैसे लगता है, आपने कहा सर प्लेस योर फिंगर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड, तो इनका जो फोर्स है वो ऐसे थोड़ा सा टिल्ट हो गया, थोड़ा ऐसे थोड़ा सा क्या हो गया, टिल्ट हो गया, कहां गया सर टिल्ट होके, वो देख लेते हैं अभी, तो आपने कहा सर इनके परपेंडिकुलर होना चाहिए वो, तो परपेंडिकुलर बना दो, ये गया आपका फोर्स, वैल्यू कितना होगा आई बी ए, यहां देखोगे तो इनके परपेंडिकुलर जाएगा, बी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, इनके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो कैसे होगा, ऐसे अंदर जाता हुआ, खचाक से ऐसे अंदर जाता हुआ, एफ टू कितना होगा बेटा वैल्यू, I into B into B,
इनका देखोगे तो इनका वापस से इधर देखिएगा वैल्यू कितना हो जाएगा F3 जो कि हो जाएगा आई बी इंटू वापस से इनका देखोगे तो कैसा होगा ऐसे बाहर आता हुआ आई बी इंटू ए विच इज इक्वल टू F4। अब जैसे ही ये सिचुएशन आपके सामने आ जाती है तो आपको कहा सर फिर नेट फोर्स तो जीरो है, बिल्कुल जीरो है, नेट फोर्स तो जीरो ही होगा, लूप पे नेट फोर्स तो जीरो रहेगा, ये तो श्योर है, इसमें तो सोचने जैसा कुछ है ही नहीं, ये तो हमेशा होना ही है, नेट फोर्स तो जीरो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो एल वेक्टर का वैल्यू जीरो हो जाना है, टोटल वैल्यू जीरो हो जाना है। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो यहां पर टॉर्क जीरो नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा वो देखो, पहले आपने कहा सर देखो F1 एंड F3 आर सेम या फिर बोलो इक्वल एंड अपोजिट इन सेम लाइन ऑफ एक्शन भी दोनों का क्या है सेम है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाइन ऑफ एक्शन है, समझ रहे हो चीजों को, नहीं समझ पा रहे कोई बात नहीं, मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा, एक चीज तो ये बना। दूसरा आपने कहा सर F2 इज इक्वल टू F4 बट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस आर नॉट सेम, और अगर ये सेम नहीं है तो यहां से आप बोलोगे सर टॉर्क नेट का वैल्यू भी जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स तो जीरो होगा, ये तो श्योर है, नेट फोर्स तो आपका जीरो होगा लेकिन नेट टॉर्क का वैल्यू जीरो नहीं होगा क्योंकि इनका यहां पर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। पहले सबका लाइन ऑफ एक्शन सेम था, पहले कैसा था वो समझो, पहले ये बोर्ड था, यहां एक फोर्स लग रहा था, यहां पर एक फोर्स लग रहा था, यहां पर एक फोर्स लग रहा था, ठीक है रख देता हूं, चलो ढक्कन रख दे यार बस, है ना, दिख नहीं पाएगा, नहीं तो वहां फोर्स लग रहा था और यहां एक फोर्स लग रहा था, चारों एक ही प्लेन में थे, एक्स वाई प्लेन में, सबका लाइन ऑफ एक्शन सेम था, टोटल फोर्स जीरो, टॉर्क जीरो, टॉर्क के लिए थोड़ा एंगल की जरूरत होती है, मालूम ना ये बात। अब क्या हो रहा है सर, फिर अब बेटा थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या हुआ, ये ऐसे हो गया सॉरी ऐसा हो गया, ये फोर्स तो अभी भी इधर ही है, ये वाले डायरेक्शन भी इधर भी है, सेम लाइन ऑफ एक्शन दोनों का, इनका बदल गया, इनका ये फोर्स एक ऐसे है और दूसरा नीचे ऐसे है, दिखने में तो आपको दोनों सेम लग रहे होंगे, देखो ऐसा कुछ है, ये टिल्टेड है ना, देखो टिल्टेड दिख रही है, ये दिख रहा है आपको, टिल्टेड है फोर्स इनमें इधर ऐसे जा रहा है, फोर्स ये जा रहा है इनका इधर वाला, एक फोर्स तो ये हो गया, लो इधर रख देते हैं इसको, एक फोर्स, दूसरा फोर्स सर इस वाले प्लेन पे ऐसा, दोनों का साइन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, देखो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं, जैसे ये फोर्स लगेगा ये फोर्स क्या करेंगे इसको, जैसे ये फोर्स लगेगा ये इसको फोर्स क्या करेंगे सीधा कर देंगे ऐसे, जैसे टिल्टेड रखोगे फोर्स लगेगा टॉर्क लगेगा ये सीधा हो जाएगा, यही होने वाला है। चलो समझ गए बात को, तो आप देखो ये कैसे लग रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इसका टॉप व्यू दिखाता हूं मैं आपको, थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है, नेट फोर्स इज नॉट जीरो, क्यों, ड्यू टू अपोजिट और अनइक्वल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, कौन से की बात कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की वजह से ये हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वाले, वर्टिकल वाले तो खत्म हो गए। तो आपको मैं इसका टॉप व्यू दिखाता हूं जरा, ये आपका इनिशियल था, ठीक है, ये क्या था आपका इनिशियल स्टेट था, अब इस पे मैं आपको अब वाला स्टेट बना रहा हूं, फिलहाल जो हो रहा है उस स्टेट को यहां पर ड्रॉ कर देते हैं, तो थोड़ा सा कलर देखते हैं, चलो यहां आ जाओ, अब जो फिलहाल है वो पॉइंट तो यही है, यहां ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, तो बेटा ये जो एंगल है ना ये है आपका थीटा, अब फोर जो है इस प्लेन पे लग रहा है इधर वाला जो कि कितना है F4, और इस वाले प्लेन पे यहां जो लग रहा है वो कितना है, दिस इज F2,
देखो दोनों का पॉइंट ही अलग अलग है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल अलग है। पहले क्या था, पहले यहां था और यहां था, दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन में थे, अभी ऐसा है तो थीटा पे, कितना है थीटा पे। तो आपको पता था कि ये जो डिस्टेंस की अगर बात करते हो, अगर आप यहां डिस्टेंस की बात करते हो तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, बी बाय टू, पता है ना, ये तो टोटल बी था ना, ये वाला सॉरी ए लिया यहां पर हमने, ये ए है, ये कितना ए है, तो ऊपर ये कितना हो जाएगा ए बाय टू, और नीचे वाला भी कितना हो जाएगा ए बाय टू, मतलब ये डिस्टेंस आपका ए बाय टू है और ये डिस्टेंस भी आपका ए बाय टू है। हमें चाहिए टॉर्क, हमें क्या चाहिए टॉर्क, हमें क्या चाहिए टॉर्क, तो आप कहें सर टॉर्क कैसे निकालें, इस व्यू को याद रखो, वापस से बना दूंगा अगले पेज पे और आप इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करें सर वापस आओ। तो हमारे पास बेटा जी ये रहा आपका वो व्यू जो हम लोग यूज कर रहे हैं अपनी इक्वेशन के लिए, यहां पर ये वो पॉइंट है और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सारी कैलकुलेशन होने वाली है, क्योंकि ये पाइवट एक तरह से मान लीजिए, तो ऊपर ये क्या है आपका a बाय टू, नीचे क्या है ये आपका a बाय टू, ठीक है, इन पे इधर जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू कितना है, दैट इज f4, और इधर जो फोर्स इन पे लग रहा है उसका वैल्यू कितना है, दैट इज f2। ये तो है, एंगल कहां से थीटा ले रहे हो सर, एंगल तो यार हॉरिजॉन्टल से ही है, एंगल तो अभी भी कहां से हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल एंगल कहां से लाएंगे सर, ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये रहा हॉरिजॉन्टल, और ये जो बॉडी का बॉडी, ये इसकी सेंटर लाइन है ना, अरे ये सेंटर लाइन ही तो है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है दिस इज थीटा, दिस वन इज थीटा, बढ़िया। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपने कहा सर हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो आपने कहा सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो फिलहाल मैं इसको एक बार थोड़ा सा सिंगल लाइन में बना रहा हूं, तो सिंगल लाइन में आप देखोगे तो इस पॉइंट पे लगा आपका F4 फोर्स, इस लाइन पे लगा आपका F2 फोर्स, ठीक है, यहां से देखना है हमें, ये पॉइंट आपका पाइवेटेड है जो कि थीटा एंगल पे डेविएटेड है, थीटा एंगल पे वही है। तो आपने कहा सर हमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए वो ये डिस्टेंस है, टॉर्क होता क्या है, तो आपने कहा सर टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लाएं, आपने कहा सर देखिए ये a बाय टू है, ये a बाय टू है, ये एंगल यहां थीटा है और ये एंगल यहां थीटा है, क्यों सर बीच वाला भी तो थीटा ही है, थीटा ही तो है वो भी, तो आपने कहा सर ऐसा अगर है इसका मतलब ये हुआ यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया a बाय टू मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा, और ये वाला जो डिस्टेंस है यहां तक का ये डिस्टेंस a बाय टू हो गया और ये वाला कितना हो गया a बाय टू साइन ऑफ थीटा। तो आपने कहा सर फोर्स तो हमारे पास आ चुका है, फोर्स कितना है, आपने कहा सर इनका वैल्यू हमने निकाला था ये था आई बी ए, सिमिलर केस में ये वैल्यू भी कितना था आई बी ए, हम निकाल चुके हैं लास्ट में देखें आप। तो आपने कहा सर यहां से अगर देखा जाए तो नेट टॉर्क की अगर बात करते हो तो सर जी ये हो जाएगा फोर्स विच इज इक्वल टू आई बी इंटू ए मल्टीप्लाई बाय अच्छा ये शायद नहीं ये बी वाले पे है, ठीक है बी वाले पे थे ये, ठीक है आई बी इंटू बी, देखो वापस दिखा देता हूँ आपको, फोर्स जो थे वो बी वाले लाइन पे थे, ठीक है देखो जरा यहाँ पर ये बी वाले पे है तो आई बी बी आई बी चाहिए, हमने बी लिख दिया यहाँ पर ए बी होगा है ना, आई बी बी ये ए है ये ए है, ठीक है समझो चीजों को थोड़ा है ना, बढ़िया आओ। तो आपने कहा सर आई बी इंटू बी तो हमारा फोर्स है और ये डिस्टेंस कितना है, तो आपने कहा सर ये है टू इंटू ए बाय टू इंटू साइन ऑफ थीटा, दोनों को आपने कैंसिल आउट किया तो आपको क्या मिला, आपको मिला नेट टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू बी इंटू बी इंटू ए इंटू साइन ऑफ थीटा। तो यहां पर आपको मिला टॉर्क नेट इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल बी इंटू ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। ए इंटू बी क्या होता है, एरिया होता है प्लेट का, तो आपने कहा सर नेट फोर्स इज इक्वल टू आ गया I इंटू ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। अब साइन थीटा आया है तो टॉर्क भी क्या होता है वेक्टर, तो यहां पर ए भी क्या होगा वेक्टर और बी भी क्या होगा वेक्टर,
दोनों ही तो क्या होते हैं वेक्टर। तो अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है तो आपने कहा सर नेट टॉर्क उस कंडीशन में हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, आई मल्टीप्लाई बाय एरिया वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर, दिस इज योर नेट टॉर्क एरिया वेक्टर बी की फॉर्म में। अब आपने कहा सर देखो हमें तो यह भी पता है कि एम वेक्टर जो होता है वो होता है आई इंटू एरिया वेक्टर, आई इंटू एरिया वेक्टर होता है, बिल्कुल होता है। तो अगर ये होता है तो आपने कहा सर फिर क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं, बिल्कुल चेंज कर सकते हो आप, आई इंटू क्या लिख दो एम, तो आप लिख दोगे नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी, हो जाएगा एम क्रॉस बी। तो अगर आपसे कोई मोमेंट के फॉर्म में पूछता है तो मोमेंट के फॉर्म में बताओ वैल्यू किसमें होगा, न्यूटन मीटर्स इसमें होगा, न्यूटन मीटर जैसा पूछता जाए वो बता देता। अब आपसे कोई पूछता है कि नहीं सर इसमें एन टर्न्स था हमारे पास, एक एक सिंगल कॉइल नहीं था एन था, तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है अगर एन टर्न्स है तो क्या करोगे एन से मल्टीप्लाई करोगे, चलो कर देते हैं ठीक है। तो क्या बोला जाएगा, इफ इफ लूप हैज एन कॉइल्स, ठीक है तो बोला जाए इफ इफ लूप लूप हैज कैपिटल एन टर्न्स, कैपिटल एन टर्न्स होगा तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में आपका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, उस कैपिटल एन से आपका टोटल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वैल्यू को से मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल वैल्यू है कितना, आपने कहा सर या तो आप लिखेंगे एम क्रॉस बी, या तो आप क्या लिखेंगे, या तो आप लिखेंगे एन मल्टीप्लाई बाय आई इंटू ए क्रॉस बी, दोनों में से जो लिखना चाहें आप लिख दें, जो चाहें लिख दें कोई दिक्कत नहीं। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ये यहाँ डॉट ही रखना है ना, एन कोई आपका वेक्टर क्वांटिटी तो होता नहीं है, स्टैटिक नंबर होता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि नेट फोर्स यहां पर अगर लिखते हो तो ये हो जाएगा एन एम वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर। एन एम वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, एन इंटू एम वेक्टर को हम लोग बोलते हैं नेट मैग्नेटिक डाइपोल, नेट मैग्नेटिक, नेट पता लगा लो उसका, वो लिख दो। अब यहां पर देखो यहां पर थीटा आएगा, तो यहां पर जब इसको आप ओपन करते हो तो क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे एन मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। अब इसका वैल्यू चेंज होगा थीटा के रेस्पेक्ट में, तो आपने कहा सर सबसे फर्स्ट केस बना सकते हो जब साइन थीटा का वैल्यू कितना हो, जीरो डिग्री। दूसरा केस क्या बना सकते हो, आपने कहा सर दूसरे केस में हमारा साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, 180 थीटा का वैल्यू एक्चुअल में, ठीक है। तो थीटा, तो जब साइन थीटा का वैल्यू जीरो होगा तो उस कंडीशन में थीटा का वैल्यू जीरो डिग्री होगा और थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा, सॉरी, और यहां पर हम बोल देंगे 1, ठीक है 1। तो ऐसी केस के अंदर थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 270 भी हो सकता है, वो अलग चीज है, ठीक है। तो फिलहाल तो आपने कहा सर तीन सिचुएशन है, थीटा का वैल्यू 0, 180 और 90। तो जैसे 0 और 180 पुट करोगे तो नेट फोर्स उस कंडीशन में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। ये तो पता लग गया कि ये 0 होगा। दोनों सिचुएशन में देखो जब 0 होगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एम वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, और यहां पर क्या होगा, एम वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। मैंने अभी डिस्कस किया था जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो वैल्यू 0 आएगा, तो आ गया। यहां पर क्या होगा, यहां पर बोलोगे कि एम वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और ऐसे सिचुएशन के अंदर आपका ये वैल्यू कैसा होगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम होगा कितना, एन मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय बी, कितना होगा, एन एम बी, इतना होगा। मिनिमम कितना वैल्यू होगा, 0 होगा, 0 कब होगा, थीटा 0 पे और 180 पे। ये आपका छोटा सा इसका एनालिसिस, मिनिमम मैक्सिमम पूछता रहता है आपसे, ठीक है। तो ध्यान जो देना है वो आपको इसी देना है। अब देखो इसको कंपेरिजन कर लो, अगर आप यहां पर इसको कंपैरिजन करने लगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से, इलेक्ट्रिक टॉर्क की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में टॉर्क का वैल्यू कितना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में टॉर्क का वैल्यू आपका आता है पी क्रॉस ई, ठीक है, और यहां पर है मैग्नेटिक,
मैग्नेटिक टॉर्क कितना हो गया? मैग्नेटिक टॉर्क हमने पता लगाया वो आपके पास आ गया एम क्रॉस ई। तो कल के लेक्चर में मैंने आपको पी और एम रिलेशन बताया था, क्या होता है पी आपका क्या होता है क्यू इंटू टू एल, उसी तरह एम क्या होता है छोटू एम इंटू टू एल, ठीक है, या आई इंटू ए, है ना। तो ये दोनों में कंपैरिजन है, पी और एम क्या है आपके लगभग सिमिलर है, वहां पर जो पॉजिटिव चार्ज करता है वो यहां पर नॉर्थ पोल करता है, वहां जो नेगेटिव चार्ज काम करता है वो यहां पर साउथ पोल करता है, ठीक है। चलो तो ये छोटा सा एक टॉपिक हुआ, चल एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं आज हम लोग। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर रहे तो किस तरह से कैलकुलेशन आप करेंगे उसको हम लोग काउंट करते हैं। चलिए मूव करते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ। चलो तो डिस्कस करना शुरू करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपने कहा सर नॉन यूनिफॉर्म कैसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, चलो समझो आपके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का सिस्टम है, तो कुछ भी हो सकता है। बायो सावर्ट्स ने बहुत सारी बातें बताई तो उनमें से कोई एक ले लेते हैं। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, क्या है, मैंने कहा भाई एक वायर है जो आई वन करंट को कैरी करता है पर ये इन्फेनाइट है, इधर भी इन्फेनाइट है इधर भी इन्फेनाइट वायर है। तो अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से क्या बनता है, आपने कहा सर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, आपने कहा सर पता लगाते हैं कैसे, प्लेस योर थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फोल्ड योर फिंगर इन एंड द डायरेक्शन ऑफ फिंगर विल गाइड टुवर्ड्स बी। तो आपने कहा सर दिस डाउनवर्ड, इस पूरे में तो डाउनवर्ड, उधर जाओगे तो अपवर्ड, ठीक है, तो इधर कैसा है डाउनवर्ड। तो आपने पता लगाया, आपने कहा सर डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को आपने ड्रॉ कर दिया, कैसे किया, आपने कहा सर ये हो गया। तो ये तो भैया यूनिफॉर्म ही होगा, भैया ये होगा क्या, ये सिंपल सी बात है कि डी के साथ में डिस्टेंस के साथ में ये वेरी करेगा, लेकिन डिस्टेंस के साथ में इसका वेरिएशन कैसा होगा, इक्वल होगा, तो यूनिफॉर्म ही होगा। जैसे जैसे ये फील्ड होगा तो इसका जो वेरिएशन होगा वो तो क्या होगा, यूनिफॉर्म ही होगा। तो ये जो फील्ड है ये तो आपका क्या है, यूनिफॉर्म है। अब ये किसी सिस्टम के लिए नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, आपने कहा सर ऐसे कैसे हो सकता है, एक के लिए तो यूनिफॉर्म है दूसरे के लिए यूनिफॉर्म है, ऐसे नॉन यूनिफॉर्म ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन ऐसा हो सकता है। देखो अगर इस फील्ड में मैं एक वायर को यहां प्लेस कर दूं जिसमें कोई करंट आई टू है, तो जब कोई ये फाइनाइट वायर है वो इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट वायर हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं बी को, और इस बी में हमने इसको पुट कर दिया। तो अब आप एक बात बताइए, इसके इस एंड पे मैग्नेटिक फील्ड बी वन, इस एंड के ऊपर बी टू, आपने कहा सर ये क्या बोल रहे हो, मैं बताता हूं बेटा क्या बोल रहा हूं। देखो बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई मल्टीप्लाई बाय टू आई डिवाइड बाय ए। तो अगर देखा जाए तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, और ए क्या होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स, क्या होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। तो अगर ये आपको कोई पी पॉइंट है और ये आपके पास में कोई क्यू पॉइंट है, तो बेटा जी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ए है, ये ए चेंज करेगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। तो आप देखोगे तो बी पी पॉइंट का और बी क्यू पॉइंट का सेम नहीं हो सकते, वो सेम नहीं हो सकते। आपने कहा सर क्यों नहीं हो सकते, सर क्योंकि बेटा ये एक फाइनाइट वायर है जिसका खुद का कोई लेंथ है, तो मैंने बता दिया इसका लेंथ कितना है, आपने बोला सर एल है, इतना है एल है, तो पी और क्यू का फील्ड अलग अलग हो जाएगा, सिंपल है ना यार। क्या होगा पी पॉइंट का फील्ड कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर म्यू नॉट डिवाइड बाय फोर पाई मल्टीप्लाई बाय टू आई वन डिवाइड बाय ए। तो इनका तो पी पॉइंट का डिस्टेंस तो इनसे ए है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Q पॉइंट का कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर ये हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 आई वन डिवाइड बाय यहां का डिस्टेंस, तो P प्लस E प्लस P सॉरी A प्लस L, दोनों तो सेम नहीं है, दिख रहा है आपको यहां A है यहां A प्लस L है, अलग अलग वैल्यू, तो सेम तो नहीं हो सकता। तो जैसे ही सेम नहीं होगा तो क्या हो गया आपके पास में, नॉन यूनिफॉर्म। इस वायर के लिए नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम है, ठीक है। तो PQ आपका क्या है, एक फाइनाइट वायर है, तो मैं इस बात को लिख देता हूं यहां पर, जो PQ आपने डिफाइन किया है दिस इज ए फाइनाइट फाइनाइट वायर कैरिंग
कैरिंग आई टू करंट, ठीक है, आई टू करंट कैरी करता है और लेंथ उसका एल है, तो वो तो अलग बात है। अब बात आती है कि सर जैसे ही हम एक फाइनाइट वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसमें फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, किधर लगेगा? आपने कहा सर ये इधर गया, इधर गया, नीचे डायरेक्शन में फोर्स लगेगा सर, इनके ऊपर फोर्स लगेगा। तो आपने कहा सर इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ये होगा। अब फोर्स जो होता है वो क्या होता है? आपने कहा सर फोर्स जो होता है वो होता है आई इंटू बी इंटू एल इंटू साइन ऑफ थीटा, बट B इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। B तो कैसा है सर? नॉन यूनिफॉर्म है, तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो आपने कहा सर कैलकुलेट करेंगे, कैसे करें? स्मॉल छोटा 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 पॉइंट लेके करते हो ना, तो आपने कहा सर यहां पर हम क्या करते हैं, एक DL पॉइंट लेते हैं जो कहां पर है, यहां से x डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे पॉइंट क्या है? dl है। उस dl के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो आपका कितना है? छोटू df, वो फोर्स कितना है? छोटू df फोर्स, छोटू सा फोर्स है df, हमें f नहीं पता, हमें df पता है। तो आपने कहा सर df इज इक्वल टू i मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय l मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो आपने कहा सर इसके लिए फील्ड क्या होगा? बेटा जी ये जो फील्ड आप लेके चलोगे ये भी उस डीएल का होना चाहिए। तो आपने कहा सर वही हमें पता है। आपने कहा सर डी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, करंट का वैल्यू तो कितना है? आपने कहा सर आई टू, मल्टीप्लाई बाय बी का वैल्यू कितना होगा? आपने कहा सर म्यू नॉट डिवाइड बाय फोर पाई मल्टीप्लाई बाय टू आई वन डिवाइड बाय डिस्टेंस एक्स, यहां से अगर डिस्टेंस तो एक्स है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इनका लेंथ कितना है? इनका खुद का लेंथ कितना है? डीएल, छोटो फोर्स चाहिए ना, यहां डीएल, सॉरी डीएल, ये टोटल लेंथ है, छोटो से लेंथ, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ थीटा का वैल्यू तो वन हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों ही क्या है आपके? परपेंडिकुलर है, तो वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो आपने कहा सर यहां से हम अगर आगे जाएं तो हमें मिलता है डी एफ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइड बाय फोर पाई मल्टीप्लाई बाय टू आई वन आई टू डिवाइड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एल मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। अच्छा ये आपने एक्स लिया तो इसको डी एक्स ले लो, जिससे आप समझ जाओगे हाँ ये डी एक्स के रेस्पेक्ट में हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो ये आप क्या ले लो? डी एक्स ले लो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ समझो, तो डी एल मतलब एक्स लिया है ना, डिस्टेंस आपने एक्स लिया है, ये डिस्टेंस आपने यहां से यहां तक का डिस्टेंस x लिया है ना x डायरेक्शन में, तो ये जो dl है वो भी x है। तो आप यहां पर होगा सर dl और x को कैसे इंटीग्रेट कर दोगे? अरे वो दोनों एक ही चीज है, लेंथ है वो भी लेंथ है, तो x x है तो इंटीग्रेट कर सकते हो, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? आपने कहा इंटीग्रेट कर देंगे सर, थीटा का वैल्यू पहले पुट कर दो, थीटा का वैल्यू तो आप यहां पर 90 पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इंटीग्रेट करोगे तो म्यू नॉट कॉन्स्टेंट था, 4 पाई कांस्टेंट था, 2 कांस्टेंट था, आई वन कांस्टेंट था, आई टू कांस्टेंट था, ठीक है। और इंटीग्रेशन में क्या चला गया आपके पास में? डी एक्स डिवाइड बाय एक्स साइन थीटा 1 हो गया। कहां से कहां तक जाना है आपको? 0 से लेकर एल तक। 0 से एल जाना है क्या? ना बेटा ना, ना मोनू ना ना, क्या कर रहा है ये? ए भैया ए से जाना है, यहां 0 थोड़ी है, यहां डिस्टेंस ए है और यहां पर कितना है? L प्लस A, कितना है? L प्लस A, कुछ डिस्टेंस पे इंटीग्रेट करो। तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? आओ देखते हैं क्या मिलेगा। तो आपने कहा सर इंटीग्रेशन मिलेगा F इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई कांस्टेंट बाहर 2 आई वन आई टू बाहर डिवाइड बाय dx वहां पर अंदर था, तो क्या बनेगा उसका? ln ऑफ x, और लिमिट क्या जाएगा? a से लेकर l प्लस a का पुट कर दो, तो फोर्स कितना मिलेगा? म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 i1 मल्टीप्लाई बाय i2 मल्टीप्लाई बाय ln ऑफ a प्लस l माइनस
ln ऑफ ए ए होगा, सॉल्व कर दो, प्रॉपर्टी लगा दो लॉग का, कितना होगा म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 I1 I2 मल्टीप्लाई बाय ln ऑफ a प्लस l डिवाइड बाय a, कितना होगा दिस वैल्यू। 2 से 4 का खेल खत्म कर दो तो फोर्स आ जाएगा, आपने कहा सर फोर्स इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 ln ऑफ a प्लस l डिवाइड बाय a, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इतना फोर्स लगता है, इतना सारा फोर्स आपके पास में लगता है, समझ रहे हो बात को? ठीक है, इतना फोर्स लगता है। तो अब आप बोलोगे सर इसका क्या फायदा है, अब मैं आपको देता हूं सिचुएशन। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है समझो बात को, एक लूप है, लूप सुनते ही मन में तुम्हारे लड्डू फूटने लग जाते हैं कि सर जीरो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, सर जीरो, तो ये बेटा ये रहा आई वन और ये इन्फिनाइट वायर है, यहां रखा है लूप, अब जीरो होगा, बोलो 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 जीरो होगा क्या, ना तब भी ना हो सकता, इसमें आई टू करंट है ऐसे भाग रहा है, इसमें आई टू करंट ऐसे जा रहा है, और इन्होंने बोला कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है a, और ये जो छोटू 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 दिख रहा है ये है d, कैलकुलेट, क्वेश्चन क्या बोलता है समझो, कैलकुलेट कैलकुलेट फोर्स ऑन लूप ड्यू टू इनफिनाइट वायर, ये क्वेश्चन है। अब जैसे लूप सुनोगे आपके मन में तो खुशियां दौड़ पड़ेंगी कि सर जीरो कर दो, लूप जीरो होता है ना बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होता है, यहां मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, यहां पर कांस्टेंट नहीं है, आपने कहा सर कैसी बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ तो कांस्टेंट होगा, कुछ तो कांस्टेंट है, कुछ तो है, कुछ तो है, कैसे देखेंगे, आपने कहा सर यहां जो फोर्स लगेगा वो F1 लगेगा, बिल्कुल सही है, कैसे पता लगाया, इनकी वजह से डाउनवर्ड बनेगा, इनका फील्ड कैसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन का होगा, ये तो कंफर्म है ना, डाउनवर्ड ऐसा का फिंगर ऐसा का डाउनवर्ड इधर लगा फोर्स इधर आ गया, दूसरे का फोर्स किधर है, आपने कहा सर इनका फोर्स इधर लग रहा होगा, ये F1 है, ये इनके F2 है, इनके ऊपर फोर्स यहां लगेगा वो F3 होगा, यहां जो फोर्स लगेगा वो F4 होगा, बेटा जी इनके वैल्यू लिखो आप, F1 यहां से यहां वैरी कर रहा है, यहां से यहां वैरी कर रहा है, तो आपने अभी पहले कैलकुलेट किया, तो कितना होगा, आपने कहा सर ये होगा म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय करंट 1 2 इनका करंट मल्टीप्लाई बाय ln a प्लस डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा a प्लस डी डिवाइड बाय में उनका खुद का a, ये हो गया a, तो यही था ना, हो गया F1 का वैल्यू, अब इनका डायरेक्शन क्या है डाउन, डायरेक्शन बताते चलो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है, दूसरा क्या है F2, तो बेटा ये तो ऐसे खड़े हुए तो इनके लिए तो कांस्टेंट हो गया, तो इनका वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया क्या, तो बोलो हाँ सर 2 I1 I2 डिवाइड बाय डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस ए है, क्या हो जाएगा लेफ्ट, सिमिलर आपने पता लगाया F3 इधर है, यहां से यहां वेरिएशन सेम जैसा F1 था, कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 ln ऑफ a प्लस डी रखोगे, अबे यहां a प्लस डी ना होना छोटू, यहां पर इस पॉइंट से यहां का वेरिएशन देखता होता है, तो देख लिया आपने कोई दिक्कत नहीं, यहां भी देखना है a से यहां तक का वेरिएशन, तो कितना हो जाएगा वापस से a प्लस डी डिवाइड बाय a, और ये कैसा है अपवर्ड, इसी तरह से F4 फाइंड आउट करो, तो
आपने कहा सर वो तो यहाँ है, यहाँ का आएगा, तो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वहां पर सर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2। कैलकुलेट कर लेना आप, IBL फॉर्मूला जो है उसी से बैठ कर लो, तो B का वैल्यू जो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I/D रखते हैं, तो डिस्टेंस यहाँ क्या हो जाएगा A+D, वैल्यू क्या हो जाएगा A+D, ये कैसे हो जाएगा राइट, ये कैसे हो जाएगा राइट। अब आप देखो चारों आ गए, जैसे ये चारों आपके पास में आते हैं अब रखो इनको, आपने कहा सर नेट फोर्स, जैसे एनालिसिस करोगे तो आप कहोगे सर देखिए F3 और आपका जो F1 है ये इक्वल भी हैं, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल तो है ही साथ में अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, खत्म हो गया। तो अब जो नेट फोर्स आपके पास आएगा वो किसकी वजह से आएगा, आपने कहा सर F2 - F4 की वजह से आएगा, जो ज्यादा होगा मतलब डायरेक्शन उसी का हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ए का टू के टू जो फोर्स है उसके डिनोमिनेटर में कौन है ए, और इनके डिनोमिनेटर में कौन है, इनके डिनोमिनेटर में कौन है A+D, तो डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा होता है फोर्स उसका कम होता है, तो ये फोर्स ज्यादा होगा ये कम होगा, ये लेफ्ट जा रहा है ये राइट जा रहा है, तो जो टोटल फोर्स है वो किस तरफ जाएगा लेफ्ट जाएगा, तो लेफ्ट जाएगा तो इसको हमने क्या लिख दिया F2 - F4, क्या लिख दिया इसको हमने F2 - F4। तो वैल्यू कैसे पुट करें, वैल्यूज लेके आओ, बेसिक इक्वेशन से वैल्यूज को उठा के लाओ, कैसे लाए उठा के सर, आओ वापस चलते हैं, कितना कितना वैल्यू था F2 का, तो आपने कहा सर ये था म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 I1 I2 डिवाइड बाय इनका जो डिस्टेंस था वो a था, इनका जो डिस्टेंस था वो कितना था a था आपके पास में, ln वेलन कुछ आएगा नहीं, माइनस कितना लिखोगी F4, तो F4 कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 I1 I2 अपॉन में इनका डिस्टेंस कितना था A+D था। अच्छा यहां हमने एक गलती कर दी शायद, ठीक है हमने डिस्टेंस नहीं लिया ना, IBL होता है तो I भी ले लिया B भी ले लिया L नहीं लिया, तो यार इनका L जो है इनका जो खुद का लेंथ है वो D है, ठीक है इनका जो खुद का लेंथ है वो कितना है D है, तो डी लेंथ सबके डी लेंथ है, इनके इनके अंदर तो सब काउंट हो गया था, उनके तो डीएल में एलएन का फॉर्म आ गया था ना, इनमें तो है डी पर यहां डी नहीं था तो डी आएगा, तो डी यहां पर भी लिखेंगे आप, तो यहां पर क्या बनेगा आपके पास में, यहां भी डी मल्टीप्लाई होगा और इनके साथ भी यहां क्या होगा डी का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है कॉन्स्टेंट वैल्यू जो भी हो लेके आ जाओ, कितना होगा म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई कॉन्स्टेंट है सर, 2 I1 I2 और डी भी कॉन्स्टेंट है सर, ठीक है ये सब कॉन्स्टेंट है, क्या बचेगा 1 by A - 1 / A+D। सॉल्व कर लो, थोड़ा सॉल्यूशन करोगे तो क्या मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 pi (2 I1 I2 × D, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा A² + AD, A × A+D करोगे ऊपर जाएगा तो ये क्या खुलेगा, ये खुलेगा आपका, अरे ये हो गया ना, अरे A × A+D होगा, A रखेगा तो A+D ऊपर होगा, माइनस यहाँ रखोगे A होगा तो ये खत्म हो जाएगा बाहर आ जाएगा, कितना होगा म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, ये हो जाएगा 2 I1 I2, D बाहर आएगा तो D² / A² + AD, दिस इज योर नेट फोर्स, डायरेक्शन कैसा होगा लेफ्ट, डायरेक्शन कैसा होगा लेफ्ट, या फिर क्या बोल सकते हो टुवर्ड वायर ऑफ I1 जो करंट जिसमें फ्लो हो रहा है उसके वायर की तरफ आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है तो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे आपको बहुत सारे लूप दे सकता है, कुछ भी आपसे सॉल्यूशन करा सकता है, ठीक है ये सब आपको ध्यान होना चाहिए अच्छे से आना चाहिए, ठीक है बढ़िया, तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग, ठीक है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्या डिस्कस करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो।